हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शो दैट क्वेश्चन नंबर 13 है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। एक बहुत सारे पॉलीगन्स जितने भी अवेलेबल है उनका एक सेट है ए, उसमें एक रिलेशन डिफाइंड है। वो क्या है, रिलेशन क्या हो जाता है? देखो, आर इज इक्वल टू क्या लिखा, पी वन कॉमा पी टू, जहाँ पे पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। तो ऐसे पॉलीगॉन्स की पैर बनानी है आपको, या तो रिलेशन ऐसा दिया है कि जहाँ पे पी वन एंड पी टू की साइड क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड इक्वल। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है वो पहले प्रूव करेंगे, फिर लिखा है आगे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड टी थ्री फोर एंड फाइव। तो ये टी से जितने भी रिलेट करते हैं वैसे सेट जो है वो सेट क्या होगा, वो सेट डिफाइन करना है। ओके, सबसे पहले हम इसको क्या डिफाइन कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंस है, वो दिखा देते हैं। देखो, तो पी वन एंड पी वन कॉमा पी वन बिलोंग्स टू आर एज पॉलीगन्स हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। मतलब कि अगर पी वन और पी वन दो सेम पॉलीगन है तो उनकी साइड भी सेम होगी, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मान लो कि लेट पी वन कोमा पी टू बिलोंग्स टू आर, तो इससे मतलब क्या बनेगा, ऐसे एक पैर आर में है तो कि आर क्या बोल रहा है कि पी वन पी टू की नंबर्स ऑफ साइड सेम है। तो मैं आप यहाँ से लिख सकता हूँ कि पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पी टू एंड पी वन हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड, तो पी टू कोमा पी वन बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांसटिव के लिए देख लेते, पी वन कोमा पी टू एंड पी टू कोमा पी थ्री बिलोंग्स टू आर, मतलब कि पी वन एंड पी टू एंड पी टू एंड पी थ्री हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। तो इससे पता चलता है कि पी वन एंड पी थ्री हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड, तो ये ट्रांसटिव भी हो गया। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब ये लास्ट वाला देख लेते, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड थ्री फोर फाइव, तो उससे रिलेटेड हो ऐसा एक सेट निकालो। तो रिलेटेड मतलब कि ये रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या है, पी वन एंड पी टू दोनों के नंबर्स ऑफ साइड सेम है। तो ऐसे पॉलीगन निकालो, ढूंढ निकालो और उसका सेट बनाओ कि जो टी से रिलेटेड हो। तो देखो, टी क्या है, तीन साइड है, मतलब ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल से रिलेटेड कौन होगा, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, थ्री साइड। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि द एलिमेंट इन इन अ सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड थ्री फोर फाइव आर दोज पॉलीगन विच हैज थ्री साइड। तो जितने भी ऐसे पॉलीगन है कि जिनकी साइड क्या है, तो ऐसे पॉलीगन है एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड थ्री फोर फाइव आर दोज पॉलीगन विच हैज थ्री साइड। तो जितने भी तीन साइड वाले पॉलीगन है, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ साइड थ्री आती है, वो सारे ही किससे रिलेटेड होंगे, ये टी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें रिलेशन में क्या बोला है कि पी वन एंड पी टू दो ऐसे पॉलीगन है जो क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ साइड उनकी सेम होनी चाहिए। तो हमें बोला है कि टी से जितने जो भी रिलेटेड हो वैसे निकालो, तो टी में कितनी साइड है, तीन साइड, तो उससे रिलेटेड तो हर ट्राइंगल आ जाएगा। तो सेट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, मतलब कि अगर आप एक सेट निकालो ए, तो वो ऐसा सेट बनेगा कि जिसमें ऑल ट्राइंगल्स आर देयर, बराबर। तो पूरे ट्राइंगल का सेट होगा वो टी से रिलेटेड होगा, इज रिलेटेड टू टी। ओके, थैंक यू। साथ में क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं, 15 16, आप 14 खुद से कर पाओगे, वो सेम ही है इसके जैसा ही। तो 15 में क्या बोले कि लेट बी आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय, आर में कोई पैर्स दिए हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पे ऑप्शन दिए कि कौन सा करेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस। तो देख लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसी पैर है इसमें, ये 1 1 हो गई, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, तो देखो 1 2 है बट 2 1 नहीं है कहीं पे, बराबर। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 इज नॉट बिलोंग्स, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। नाउ देखो आगे क्या लिखा है कि ट्रांसटिव के लिए देखो, तो 1 3 है, ये रहा 1 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाली 2 3 2 भी है, ये 3 2 भी है, ये दोनों, तो अगर ये दोनों आर में है तो 1 एंड 2 भी आर में होना चाहिए। तो देखो 1 2 भी आर में है,
तो ये ट्रांजिटिव है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। आर विद द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर, जहाँ पे क्या है ए कॉमा बी, वेयर ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, जहाँ पे बी इज ग्रेटर देन 6। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है सिंपली कि ए इज इक्वल टू बी माइनस टू को फॉलो करने वाली पैर इसमें से ढूंढनी है। ऊपर से कंडीशन दी है बी ग्रेटर देन 6, तो देख लो यहाँ पे ये जो है बी की वैल्यू होगी, जो सेकेंड वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी, तो ढूंढ लो पहले 4, 8, 8, 7, मतलब कि ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, बी हमें कैसा चाहिए, 6 से ग्रेटर देन, तो ये तो 4 है, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 में से आंसर है। ऊपर से ये लिखा है कि ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, मतलब कि ए जो है वो बी से कैसा है, दो वैल्यू जितना छोटा है, मतलब कि ऐसा बोलूँ कि डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस टू, ए माइनस बी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, माइनस टू। तो देखो ये 3 और 8 है, यहाँ पे माइनस टू डिफरेंस नहीं है, 8 और 7 है, यहाँ पे भी माइनस टू डिफरेंस नहीं है, 6 और 8 है, यहाँ पे माइनस टू डिफरेंस है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।